हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। और इसमें हमें पता चलने वाला है किसके बारे में, वर्ब्स शो टाइम। ओके, सो वर्ब्स जो टाइम दिखाती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यस, लेट अस रीड व्हाट त्रिशा डज एवरी डे। सो हम पढ़ते हैं कि त्रिशा रोज क्या करती है। ओके, रोज क्या करती है। त्रिशा टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक। त्रिशा अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाती है। देन शी रीड्स द न्यूज़पेपर। उसके बाद वो क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। त्रिशा एंड अमर लीव फॉर स्कूल। त्रिशा और अमर स्कूल के लिए जाते हैं। द वर्ब्स टेक्स रीड्स एंड लीव शो दैट द एक्शंस हैपन एवरी डे। सो ये वर्ब टेक्स रीड्स और जो लीव है ये क्या दिखाते हैं बच्चों, कि ये जो काम है ये रोज होता है। एक्शंस हैपन एवरी डे, राइट। चलिए नाउ रीड व्हाट त्रिशा डिड ऑन संडे लास्ट वीक। अब हमें ये देखना है कि त्रिशा ने लास्ट वीक संडे में क्या क्या किया। फर्स्ट शी फिनिश्ड हर क्राफ्ट होमवर्क। सबसे पहले उसने अपना क्राफ्ट का होमवर्क फिनिश किया। देन शी प्लेड चेस विद हर कजिन अमर। फिर उसने अपने कजिन अमर के साथ चेस खेला। इन द आफ्टरनून त्रिशा एंड अमर वर्कड ऑन देयर स्कूल प्रोजेक्ट। फिर आफ्टरनून में क्या हुआ, त्रिशा और अमर ने काम किया किस पर, अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर। विच वर्ड्स टेल अस अबाउट द एक्शंस दैट टुक प्लेस ऑन संडे। सो कौन कौन से वर्ड्स हमें बताते हैं कि संडे को क्या हुआ। दे आर फिनिश्ड, प्लेड एंड वर्कड। ओके, सो वी सी, हम देखते हैं दैट वेन वी हैव टू यूज़ वर्ब्स टू शो एक्शंस। जब हमें वर्ब्स का यूज़ करना होता है किसके लिए, एक्शंस को शो करने के लिए, दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब वो काम हो चुका है, तो हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं, ईडी। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं, ईडी। जैसे कि हेल्प्ड, कुक्ड, वर्कड, प्लेड, फिनिश्ड। ओके, सो नॉर्मल वर्ब क्या थी, ये फिनिश, प्ले, वर्क, कुक और हेल्प। हमने इनमें क्या ऐड कर दिया, ईडी। तो बच्चों हम ईडी किस में ऐड करते हैं, जब हमें ये शो करना होता है कि दैट एक्शन हैज़ बीन डन ऑलरेडी, ये काम पहले हो चुका है। पास्ट की बात जब हम करते हैं तब हम ईडी ऐड करते हैं वर्ब की सिंपल फॉर्म में। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैन बी यूज टू शो द टाइम ऑफ एक्शंस। सो टाइम दिखाने के लिए कि ये काम कब हुआ है, हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। एक्शन दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस आर सेट टू बी इन द पास्ट। सो जो एक्शन हम ऑलरेडी हो चुके हैं वो कौन से एक्शन बन जाते हैं, पास्ट के एक्शंस बन जाते हैं। सो सम वर्ब्स चेंज देयर स्पेलिंग्स कंप्लीटली when used for expressing past actions। कुछ verbs की जो बेटा spelling होती है वो completely change हो जाती है जब हम उन्हें past के लिए use करते हैं। okay? So the tables below list some of them। So यहाँ पर कुछ दिए भी हुए हैं, जैसे begin, began, blow, blew, break, broke, bring, brought, buy, bought, drink, drank, eat, ate, fall, fell, find, found, fly, flew, get, got, go, went, grow, grew, hear, heard, know, knew, leave, left, loss, lost, see, saw, sit, sat, sleep, slept, tell, told, throw, threw, win, won, write, wrote. Okay? So, बच्चों ये सब है इनकी सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये है इनकी पास्ट फॉर्म, मतलब सेकंड फॉर्म। ओके, सो इनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप इन्हें लर्न करके रखो तो आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर आपको पास्ट का कोई सेंटेंस फॉर्म करना है तो दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू, राइट।
चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब आपको पता है कि जब हमने पास्ट की बात करनी है तो हमने क्या ऐड करना है, ईडी। ओके चलिए, चेंज दीज वर्ब्स इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको सेंटेंस भी बनाना है। ओके एक्ट, एक्ट की पास्ट फॉर्म क्या होगी, एक्टेड। ओके सो द एक्टर एक्टेड इन द फिल्म वेरी नाइसली। अग्री, अग्रीड का अग्रीड हो जाएगा। अलाउ, अलाउड। ओके सो आस्क, आस्क्ड। अराइव, अराइव। अवेक का हो जाता है बच्चों अवोक। ओके बिकम, बिकेम। बिगिन, बिगैन। बाइंड, बाउंड। ओके ब्लो, ब्ल्यू। ब्रेथ, ब्रेथ्ड। बिल्ड, बिल्ट। कॉल, कॉल्ड। कैरी, कैरीड। कैच, कॉट। ओके सो ये होती है इनकी पास्ट फॉर्म्स और हमें इनके बनाने हैं सेंटेंसेस। सो एक्टेड का मैंने बताया आपको, द एक्टर एक्टेड इन द मूवी वेरी नाइसली। अग्रीड, माय मदर अग्रीड ऑन माय डिसीजन, विद माय डिसीजन। माय मदर अग्रीड विद माय डिसीजन। अलाउड, माय फादर अलाउड मी टू गो टू द पार्टी। सो इस तरह से बच्चों हम सेंटेंस बना सकते हैं। I asked my teacher for playing a match. Arrived, my grandfather arrived home last month. Awoke, I'm starting with the six. Awake, so awake का मतलब क्या होता है, जागना, right? इससे भी आप कोई sentence बना सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों हम इन सारी वर्ब से प्रेजेंट के भी सेंटेंस बना सकते हैं और पास्ट के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म लर्न होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द बी एक्सरसाइज, टिक राइट द सेंटेंसेस दैट टेल व्हाट यू डू एवरी डे। ओके सो आपको उन पर राइट करना है जो आप रोज़ करते हो काम। आई गो टू द जू, नहीं हम रोज़ तो नहीं जाते जू। आई गो टू स्कूल एट 7, यस आप जाते हैं। आई प्ले गेम्स, आप गेम भी रोज़ खेलते होंगे। आई ब्रश माई टीथ, यस हम रोज़ अपने ब्रश करते हैं टीथ पर। ओके आई वॉच मूवी, रोज़ तो नहीं देखते। आई डू माई होमवर्क, यस आप अपना होमवर्क रोज़ करते होंगे। आई टेक लंच, यस हम खाना भी रोज़ खाते हैं। I visit my uncle, रोज़ नहीं करते। Okay, I take bath, yes हम नहाते भी रोज़ हैं। I dance in a party, ज़रूरी नहीं है हम रोज़ पार्टी में जाएं। Okay, so ये है यहाँ पर interpretation. Some verbs do not change their form at all. कुछ verbs अपनी form बिल्कुल नहीं बदलती हैं। Even when they express actions, जब वो action भी express कर रही होती हैं ना, What happened in the past? जैसे कि ये cut, hit, let, put, read, इनकी spellings past में भी यही रहती है और present में भी same रहती है, ये change नहीं होती है। Okay? So बच्चों आपको क्या करना है इस पेज पर, इन सब के sentences बनाने हैं, right? It will be your homework from my side. चलिए आगे चलते हैं। Yes. Now, this is C exercise. Complete the sentences using the present tense of the given words. यहाँ पर हमने present tense का use करना है. So, the girls dash in the stadium. So, girls ने क्या किया stadium में? So, the girl stadium में run. The girls run in the stadium. The boy dash in cold water. So, the boy क्या करा उसने? Bath, right? So, the boy Bates. अब जब हमारी सिंगुलर यहाँ पर नाउन होता है तब हम वर्ब की फॉर्म में एस या फिर ई एस ऐड करते हैं. ओके बॉय सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर बेट्स लगा दिया, द बॉय बेट्स इन कोल्ड वाटर. द डॉग बार्क, अब डॉग भी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों,
barks. The dog barks at night. The artist, artist भी singular है. The artist paints. Okay? So the artist paints pictures. The man dash his dinner on time. So the man eats. क्योंकि man है, singular है. Okay? Previous chapter में आप पढ़ चुके हैं. Singular is man and plural is men, men. So the man eats his dinner on time. We dash at night. We sleep at night. तो ये sleep का sleep ही रहेगा, because we क्या है बच्चों, plural pronoun है. जो भी singular noun या singular pronoun होंगे उनके साथ हम verb में s add करेंगे या फिर es add करेंगे. Okay? The birds. अब birds ये भी plural है. So simple जो fly है वही आएगा. The birds fly in the sky. The baby dash when it is hungry. तो baby cry. Baby, अब एक baby की बात हो रही है तो cry का क्या हो जाएगा? Cries. Okay? क्या हो जाएगा cry का? C-R-I-E-S. Cries. So baby cries when it is hungry. Okay? So इस तरह से आपको पता चलता है कि हम past की बात कर रहे हैं या present की बात कर रहे हैं. बट बच्चों, उसके लिए आपको verb की forms को learn करना ज़रूरी है. तो जो table आपकी book में दिया हुआ है, please learn it. Now the D exercises, rewrite the sentences using the simple past tense. Use the verbs given in the box. तो box में आपको verb दी हुई है. अब हमें past tense में इनको लिखना है. ये सब present में हमें दिए हुए हैं. She draws well. अब draw. Draw is a present. Okay? चलिए मैं आपको साथ साथ यही लिख के दिखाती हूँ. Draw is the present verb, right? अब हमें इसका क्या लिखना है? Past. तो क्या होगा? Drew. So ये हो जाएगा she drew well. Okay, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं. I watch cartoons on weekend. So watch, watched. क्या ऐड हो गया बच्चों? ED. So I watched. यहां पर दिए हुए हैं ऑलरेडी. I watched cartoon. इसे मैं हटा देती हूं बिकॉज हमें यहां दिए हुए हैं ऑन वीकेंड. अ ह्यूज क्राउड इज एट द मैच. सो अ ह्यूज क्राउड, अब यहां पर प्रेजेंट में इज शो कर रहा है. सो यहां पर आ जाएगा वॉज. अ ह्यूज क्राउड वॉज एट द मैच. आई ट्रेवल टू हैदराबाद रेगुलरली. मैं रोज रेगुलरली हैदराबाद ट्रैवल करता हूँ. सो आई ट्रैवल्ड. आई ट्रेवल टू हैदराबाद रेगुलरली. द ट्रेन गोज टू चेन्नई. सो गोज टू हटके क्या आ जाएगा? गोज का वेंट. द ट्रेन वेंट टू चेन्नई. ओके. ही ड्रॉप्स द बुक ऑन द फ्लोर. ड्रॉप्ड. ही ड्रॉप्ड the book on the floor, right? The sky becomes dark in the evening. So became. The sky became dark in the
इवनिंग। सो बच्चों इसी तरह से हम प्रेजेंट को पास्ट टेंस में बदल लेते हैं। ओके, नाउ दीज ऑल थ्री यू विल डू इन योर होमवर्क। ओके, इट्स वेरी इजी, आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं और सेंटेंस को चेंज करके पास्ट में लिख सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या याद करना है, प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स की स्पेलिंग्स आपको लर्न करके रखनी है। ओके, नाउ ही एक्सरसाइज इज गिव द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड। अब हमें इसकी पास्ट टेंस देनी है। द सन ड्राई ऑफ द सेंट। अब ड्राई क्या है, प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसकी पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब देनी है। तो द सन ड्राइड। ओके, सी गुल्स कैरी अवे बिट्स ऑफ फूड, कैरीड। ओके, क्लम्प्स ऑफ सी वीड वॉश ऑन टू द शोर, वॉश्ड। क्या आ जाएगा, वॉश्ड। ओके, क्रैब्स क्रॉल आउट ऑफ देयर होल्स, क्रॉल्ड, क्रॉल्ड। ओके, स्ट्रे ट्विग्स स्किप अक्रॉस द वॉटर। सो स्किप का क्या हो जाएगा बच्चों, स्किप्ड, डबल पी ई डी। ओके, स्पेलिंग्स आपको लर्न होंगी तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। टाइनी बर्ड्स डैश अवे फ्रॉम द वेव्स, सो यहां पर आ जाएगा डैश्ड। ओके, सो इस तरह से हम प्रेजेंट फॉर्म्स को इजीली पास्ट फॉर्म्स में बदल सकते हैं। बट उसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है। वी आर गोइंग टू डू वन टॉपिक, ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स का मतलब उल्टा, राइट, विपरीत, ऑपोजिट, जो एक के ऑपोजिट दूसरा वर्ड हो उन्हें कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट्स। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ऑपोजिट लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड का। सो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ब्राइट डल, ब्राइट मतलब बहुत चमकदार, डल मतलब जो डल होता है, सॉफ्ट हार्ड, राइट, जो चीज सॉफ्ट होती है उसका उल्टा होता है हार्ड, नियर मतलब पास, सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फार दूर, वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सूखा, राइट, कॉस्टली मतलब कीमती, जिसकी बहुत कीमत हो, और चीप, चीप मतलब सस्ता, कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गरम, राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉट। ओके, टाइडी मतलब साफ सुथरा, फैला हुआ नहीं, ओके, सिमटा हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा टाइडी का क्या हो जाएगा बच्चों, अनटाइडी, राइट, अनटाइडी। हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा, टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा, हैप्पी मतलब खुश और सैड मतलब दुखी। तो ये हुए ना एक दूसरे के ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा मीनिंग। नाउ द बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो ये अंडरलाइन वर्ड हैं हमें यहाँ पर इनके ऑपोजिट्स फिल करने हैं, राइट, चलिए। रवि इज यंग बट हिज फादर इज ओल्ड। यंग का ऑपोजिट क्या होगा, ओल्ड। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन वेदर दे आर डिफिकल्ट और ईजी। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो उसका उल्टा क्या होगा, ईजी। देयर आर नो ब्रॉड स्ट्रीट्स इन चांदनी चौक बट नैरो। ब्रॉड मतलब चौड़ी, नैरो मतलब पतली पतली स्ट्रीट्स, गलियां। यस्टरडे, कल अर्चना वॉज एब्सेंट बट टूडे शी इज प्रेजेंट, राइट, आप बोलते हो ना प्रेजेंट मैम, राइट, ओके। मिस्टर सिंह इज अ सीनियर टीचर, आई एम 4 years जूनियर। सो यहां पर हम लिखेंगे जूनियर, जूनियर। कीप योर सेल्फ बिजी, इट्स बैड टू सिट फ्री। ओके, द प्रिजनर्स ऑफ वॉर शुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग, रिलीज्ड क्लोज्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ऑपोजिट्स यही होते हैं बच्चों। और अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। द किंग अग्रीड विद द प्लान, तो हम क्या लिखेंगे, द किंग डिसअग्रीड विद द प्लान। ओके, सो द किंग। सो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यूड का होगा डिसकंटिन्यूड। मैं आपको यहां पर ऑपोजिट बता रही हूं, यू विल रीराइट इट योरसेल्फ। द शो डिसकंटिन्यूड आफ्टर वन ईयर। द मैजिशियन सडनली अपीयर्ड, अपीयर्ड का होगा डिसअपीयर्ड। ओके, सो द मैजिशियन सडनली डिसअपीयर्ड। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई डिसलाइक प्लेइंग फुटबॉल, या फिर I hate playing football. I hate playing football. Prakash obeys his officer's orders. Prakash disobeys his officer's orders. It is possible to win this match. It is impossible to win this मैच। ओके बच्चों, अब आई थिंक आपको ये ऑपोजिट वर्ड्स पता चल गए होंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल दीज ऑपोजिट वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।